सो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आप सभी लोगों को सबसे पहले जुम्मा मुबारक। तो अभी मैं जुम्मा पढ़ के आया हूँ मस्जिद से, तभी मैं शॉप पे आके बैठा था। तो फिर आप आगे दे आगे देखें कि अब हम क्या करते हैं पूरे दिन में। चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो बाहर भी बहुत गर्मी हुई है, अभी मैं अंदर आके बैठा हूँ तो गर्म थी दुकान, तभी ए सी ऑन किया मैंने और अभी ठंडक होती है थोड़ी देर। इधर बैठते हैं फिर चलेंगे घर। तो गाइस अभी भाई साहब शॉप पे आ गए हैं। पापा कहाँ हैं? पापा गए हैं रहीम यार खान। यार किसी ने मुझे यार भाई साहब आप चल भी जल्दी जाते हो ना। नहीं नहीं वो जल्दी कहाँ चला जाता हूँ, क्या हो गया है? सुबह 5:30-6 बजे आता हूँ, उसके बाद ही मैं 4 बजे जल्दी जाता हूँ। क्या बात है, वैसे कह रहा हूँ रात को जल्दी जाता हूँ। 14 घंटे ड्यूटी करके जा रहा हूँ भाई साहब, 14 घंटे। मामू के घर, मेरी मामू के घर आके बैठा हूँ तो नीचे लाइट ही नहीं आ रही थी, तभी बापदा वाले को फोन कर रहे हैं मामू, तो बापदा वाले फोन कर रहे हैं, कॉल ही नहीं उठा रहे। और ये जुमर बैठी है, कॉल कट ही जा रहे हैं। ये जब लास्ट मड़ी वाली वीडियो थी सीरीज जो चल रही थी उसमें ये आया था साथ जो बच रही वो थी ये जुमर बाजी जुमर। सभी फोन कर रहे हैं रून मामू बापडा वालों में, फोन ही कोई उठा रहा, फोन उठाते हैं फिर कट जाता है। दोबारा बार बार कर रहे हैं, लाइट नहीं, एक नीचे आ रही है ऊपर आ नहीं रही, नीचे नहीं आ रही ऊपर आ रही है। अभी फोन कर रहे हैं देखते क्या बनता है। उठाया टाइम भी ओवर हो गया, सुबह से 4 बार कॉल की है, चारों मतदारों ने याद किया आपका मसला सोल्व करवाते हैं, अभी करवाते हैं लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मसला 5 बजे से खराब है और आज 5:30 हो गए हैं। पाकिस्तान आ रहा और अभी देखो वो बिजी जा रहा है, गाना म्यूजिक लगाया है, कहते आप बोर हो रहे हो, सुनो सुनो आराम से बैठ के रेस्ट करो। तो अभी देखते हैं क्या बनता है, उनकी छुट्टी हो गई है इस शिफ्ट, अब अगली शिफ्ट में बता रहा आराम से, अब रात के 12 बजे। तो अभी देखते हैं आगे क्या बनता है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके सो गाइस, अभी मैं और मोम जाने लगे हैं, तो अभी यहाँ पे वदूद भी आ गया ट्यूशन से फारिग हो गए। तो अभी जुमर बाय 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 बाय, चलो चले चलो कहाँ जाना है? इधर मर्जी चल जाते हैं। क्या खाओगे? क्या है क्या खाओगे? कुछ भी खा लेते हैं, जिधर मर्जी चल जाओ। यार मेरा ख्याल है वो खलीफा बलोची सज्जी वाला ना, वहाँ चलते हैं, गड़ी शॉप उधर चल जाते हैं। चलो वहाँ चलते हैं, चलो जान दो। तो भैया लोग जा रहे हैं गड़ी शॉप क्या नाम है, खलीफा बलोची सज्जी वाला, खलीफा सज्जी वाले के पास, वहाँ जाके आप सज्जी खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं। गड़ी शॉप भी फेमस है, फर्स्ट ब्रांच उनकी गड़ी चौक में ओपन हुई थी और उसके बाद शायद 2-3 ब्रांचें तो उनकी और भी है, एक शादबाग में और एक कहीं और भी है। अभी लगता है आपको वहाँ से ही नहीं आ रही होगी क्योंकि बाइक पे है ना, तो इस वजह से हवा भी नहीं आ रही होगी। तो अभी क्या है वहाँ पे उनकी फर्स्ट ब्रांच है गड़ी चौक, तो अभी उधर जाके खाते हैं सब्जी और आपको वीडियो में दिखाएंगे, फिर आप भी पेट भर लेना वीडियो में। तो अभी चलते हैं उधर, जल्दी से पहुँचते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी कल का भी बहुत दुख है, पाकिस्तान श्रीलंका से बहुत गंदी तरह हार गया, अगर कल जीत जाता तो इंडिया के साथ फाइनल हो जाना था, पाकिस्तान इंडिया फाइनल। इंडिया तो भी हार गया है, इंडिया तो भी बड़े अच्छे तरीके से हारा है। हाँ जी, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ इंडिया से। श्रीलंका पाकिस्तान, हाँ जी पाकिस्तान को बताया क्या हुआ है, इंडिया से हारा है, उसके बाद ऐसा हार है ऐसा हार है, जीते ही नहीं। अच्छा बोला नंबर 1 पोजीशन पे था, हमारे सब खिलाड़ियों को दुख लग गया हार का। हाँ सबको ही दुख लग गया, आखिरी बॉल पे जब 2 स्कोर रह गया था, अब उनका दुख खत्म हो जाएगा जब वो सीरीज के बाहर हो गया ना, सीरीज से बाहर होकर मैंने कहा उनका दुख खत्म हो जाएगा। हाँ चलो कोई नहीं, अभी आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वो भी इंडिया में ही है, अभी उसका इंतजार करेंगे।
इस बार एशिया कप भी देख रहे नहीं जा पाए हम स्टेडियम में, कि शादी थी आपने अगर लास्ट व्लॉग देखा होगा मेरा जो काफ़ी देर पहले आया था, उसमें मेरी जो कज़न है उसकी शादी की, हम लोग तैयारियाँ कर रहे थे, कपड़े वगैरह ले रहे थे, तो जिन दिनों में मैचेस थे लाहौर में उन दिनों में वो शादी थी, तो इस वजह से हम लोग मैच भी नहीं देख पाए। वो देखे पीछे ऊँट, ये ऊँट यहाँ पे दिबा कर दिया ना, इसका गोश्त भेज दिया संडे वाले दिन ये ऊँट यहाँ पे दिबा होता है, इसका गोश्त यहाँ पे भेज दिया। दूध भी मिलता है यार? हाँ, ऊँटनी का दूध भाई लगा होता है रोड पे, यहाँ भी होगा ऊँटनी का दूध। हाँ, यहाँ भी बैठे होते यही वाले लोग रोड गए होते हैं। आओ खड़े हैं पीछे, ये ऊँटनी का दूध भेज रहे हैं, पता नहीं आपको आवाज़ सही आ रही है या नहीं। तो यार किस रोड पे हैं? सिंहपुरा से गैरेज, अच्छा रेलवे के गैरेज की तरफ जा रहे हैं अभी, आ ही गई है सामने ही है। तो क्या बात है जा रहे हैं? हाँ पाकिस्तान के मैच के बारे में बहुत अफसोस हुआ है यार, अभी फाइनल अपने संडे वाले दिन खेल रहे होना था इंडिया से। चलो कोई नहीं, बाद में पता चलता है इंडिया से हार गए हैं तो इंडिया से हार गए। फिर उनको कहेंगे कप भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे दे दो उधार, दरमियान जीरो लाइन पे रख दो। जवान लोग गए थे ना उधर, क्या नाम था उसका, अपन नीलम, तो वहाँ पे बिल्कुल सामने इंडिया था, अभी मेरे पास दरिया का फ़र्क था, हम लोग भी डाले उसका। और वहाँ इंडिया की तरफ से लोग नजर आ रहे होते हैं, हाँ चलते हुए नजर आ रहे होते हैं, वहाँ के लोग जब खड़े होकर देखते हैं अभी यहाँ लोग पहुँच चुके हैं खलीफा बलोच सज्जी पे, और सामने गरीशो है, और सामने और ये गरीशो बाजार अंदर आ गए, ये साथ क्या है, तभी मैं और मामू यहाँ पे टेस्ट चेक करते हैं जाके। चलिए अब चलते हैं अंदर, लेट्स गो गाइस। अभी यहाँ लोग पहुँच चुके हैं खलीफा सज्जी पे, अभी क्या ऑर्डर करना है राजस्थानी बोटी कर लेते वैसे, बाकी सारी तो हमने खाई हुई है, मलाई बोटी, चिकन टिक्का, कचारी बोटी भी खाई हुई है, चिकन कबाब, बीफ कबाब, राजस्थान नान कर लेते हैं। नान कर लेते भाई आते हैं तो उनको ऑर्डर देते हैं, अगर इनके चावल कम लगेंगे फिर हम दोबारा फिर मंगवा सकते हैं। चावल तो आए लिखे हैं सादे राइस फुल प्लेट 400, राइस हाफ प्लेट 500, तो बोटी लेग पीस है ना ऊपर साथ चावल होने हैं बीच में। तो भी हम लोग पहले भी खाया है आपने? मैंने पहले दो तीन दफ़ा खाया, मज़ेदार है इनकी। चार से पाँच मिनट पर ट्राई किया मैंने, हाँ मसला अच्छा टेस्ट होता है, मज़ेदार है बिल्कुल, गरीशो के साथ ही है गरीशो रोड। और अभी ऑर्डर आएगा, हम आपको दिखाएंगे भी, और हम टेस्ट करके इनका दोबारा टेस्ट आपको दिखाएंगे इसका टेस्ट कैसा है, रिव्यू देंगे टेस्ट के बारे में, क्योंकि इनका टेस्ट चेंज तो नहीं हुआ, तभी वेट कर रहे हैं, अभी आता है ऑर्डर फिर आपसे मिलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अभी हमारी सब्जी आ गई है ऊपर, मसाले मसूले डाल के चावल बन के रोटी शोटी आ गए, चलो शुरू करो यार। क्या बात है, देखने वाला है ये, और ये थोड़ा सा है चावल, हाँ जी, और है तो ये गरम है। बिस्मिल्लाह, आपको लगता है तजर्बा है, आप सऊदीया में भी खाते रहे हो मंदियाँ, मज़ेदार। हाँ अरुण मामू वैसे भी सऊदीया में काफ़ी साल उन्होंने गुजारे हैं, उधर काम किया है, तो आप मंदी तो खाते रहते होंगे।
तो मेरा भी काफी दिनों से दिल कर था मंदी या सब्जी खाने का। ये भी अच्छी है, यहाँ के लिहाज से बहुत अच्छी है। वैसे वहाँ की ज्यादा मजेदार होती है, वहाँ की भी मजेदार होती है। सभी शुरू करते हैं। अच्छा आपने बताया नहीं टेस्ट इसका। टेस्ट बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, हमारे देसी खानों के साथ इसका टच है। सभी हम भी खाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि भूख अभी काफ़ी लगी है। तो फिर चलते हैं वापस घर। चले लेट्स गो। चावलों का तो सफाया कर दिया हम दोनों ने भी। अभी क्या नाम था इस बोटी का? अरे इसका नाम है राजस्थानी बोटी। साथ नान आया है, गार्लिक नान, सेवन अप परी है। तभी इसका टेस्ट बताओ आप। इस साथ पहले नान तो खाओ साथ। सही है, एवरेज है। चलो खाओ फिर। ऊपर धनिया के साथ मैंने गार्लिक लगाया। अच्छा आप सही फूड ब्लॉगर बनोगे, एक चैनल बना लो एक यूट्यूब पे। ये चक्कर यार, रायता भी खत्म हो गया, ऐसे ही खाते हैं। और मंगा लो, ये लगा लो थोड़ा सा। हेलो, ऐसे रायते के बगैर मजा लेते हैं ना क्या? ये असल मजा आएगा। ये देखिए बाइट। चलो खाइयो। हाँ जी कैसा टेस्ट है? अच्छी है। ऐसे ख़त्म करते हैं दफा। अभी हमारा खाना हो गया गाइस, सारा बिल भी आ गया। कितना बिल बना था? 1380। अभी पेट भर गया सारा, तो अभी घर चलते हैं। अभी हम लोग खाना खा के आ गए हैं, सभी चलते हैं वापस। सो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे खाना खाने का। घर की तरफ जाने लगे हम वापस गए। और इस व्लॉग को भी यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।